दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय वर्मानी स्किन केयर नगरोटा बगवा। वर्मानी स्किन केयर में लेजर मशीन द्वारा अनचाहे बालों से छुटकारा, हाइड्रा फेशियल मशीन एवं पीआरपी उपलब्ध है। इसके अलावा फुलबेरी के दाग, सोराइसिस, एक्जिमा, फंगल इन्फेक्शन, झड़ते बाल, मुहांसों का इलाज तसल्ली बख्श किया जाता है। फुली इक्विप्ड लेजर सेंटर, फ्रैक्शनल CO2 लेजर अल्ट्रा पल्स, जिससे मुहांसों के दाग, चिकन पॉक्स के दाग, चोट के दाग, सर्जरी के बाद के दाग का इलाज भी किया जाता है। वर्मानी स्किन केयर की सुविधा अब पालमपुर में भी उपलब्ध है। अपर बेसमेंट पालमपुर सिटी मॉल, हर वीरवार सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत गुरुवार को बाल विकास परियोजना अधिकारी नूरपुर द्वारा राष्ट्रीय बालिका दिवस पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसमें नूरपुर के SDM डॉक्टर सुरेंद्र ठाकुर ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। इस दौरान SDM डॉक्टर सुरेंद्र ने कार्यक्रम में प्रदेश सरकार की नई मुहिम एक बूटा बेटी के नाम के तहत रुद्राक्ष का पौधा लगाया। उन्होंने बेटियों के अभिभावकों से बच्चियों के जन्मदिन पर अपने घर आंगन में फलदार पौधे लगाने का आग्रह किया। इस मौके पर नूरपुर क्षेत्र की 13 बच्चियों जिनका गुरुवार को जन्मदिन था से केक कटवाकर उनका जन्मदिन मनाया गया। मुख्य अतिथि द्वारा उन्हें उपहार देकर सम्मानित किया गया व उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। बेटी के नाम लगाकर हमने कुछ एक पौधे लगाए हैं जिसमें कुछ फलदार वृक्ष लगाए हैं। हमने चीकू का और अमरूद के पौधे लगाए हैं। इसके अतिरिक्त हमने क्या कहते हैं एक ऑर्नामेंटल प्लांट जो है जिसे मोर पंख कहते हैं वो लगवाया है और रुद्राक्ष के कुछ पौधे हमने इसमें लगाए हैं। आज हमने 12 बेटियों का जो है बर्थडे मनाया है और इसमें हमारे नूरपुर के आसपास के जो आंगनबाड़ी केंद्र है इसमें समस्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और हेल्पर्स ने इसमें भाग लिया है। DPO मैडम ने इसमें इफेक्टिवली पार्टिसिपेट किया है और इसको बड़ा अच्छा प्रोग्राम बनाया है। इसके पीछे मंशा यही है कि जो आज बेटा और बेटी के बीच में जो इनइक्वालिटीज़ हैं उसे दूर करने के लिए हमने एक लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ और बेटी और बेटे में जो न्यूट्रिशनल डिफरेंसेस होते हैं उस भेदभाव को दूर करने के लिए उनको मेडिकल हेल्थ केयर के लिए इसके अलावा जो महिलाओं के कामकाजी अधिकार होते हैं उसके लिए हमने जागरूकता एक रैली भी की है। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए नूरपुर से बलजीत चंबियाल की रिपोर्ट।